रेट, रिदम और एक्सेस। कोई देख रहा है, कैलकुलेट किसी ने किया है या मैं करूं फिर? 68 ठीक है, रेट क्या है? ठीक है, रिदम क्या है इसका? नॉर्मल रिदम नॉर्मल है, रेगुलर साइनस रिदम है, और एक्सेस 1 2 3 में नॉर्मल है। नॉर्मल है, तो ये एक नॉर्मल ईसीजी है। अच्छा, अब इस नॉर्मल ईसीजी में आप लोग चेस्ट लीड पे ज़रा गौर करें, और चेस्ट लीड से मुझे ये देख के बताएं कि V1 से V6, दीज आर द चेस्ट लीड्स, इनमें से किन में क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्सेस नेगेटिव हैं, किन में क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्सेस पॉजिटिव हैं, और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन किस लीड में आ रहा है? 1 और 2 में नेगेटिव है, 3 में इक्विवोकल है, फोर थ्री में आ थ्री में एक तो फाइव सिक्स पॉजिटिव। 4, 5 एंड 6 आर पॉजिटिव, तो इसको कहते हैं आर वेव प्रोग्रेशन इन द चेस्ट लीड्स। के V1 N2 N3, थ्री कैन बी प्लस माइनस, दोनों में से हो सकती है। V1 एंड V2 शुड बी नेगेटिव इन द नॉर्मल ECG, V4, V5 एंड V6 शुड बी पॉजिटिव। और आप ये देखेंगे कि कैसे V1 से लेके V1 में आर वेव छोटी सी है, कभी होती है कभी नहीं होती, एंड आर वेव इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस इट्स साइज। सिमिलरली द एस वेव इज लार्ज इन V1, इट्स लार्जर इन V2, हाउएवर आफ्टर दैट इन V3 इट्स स्मॉलर, इन V4 इट्स वेरी स्मॉल, और V5 और V6 में एस वेव ख़त्म हो गई है। दिस इज द नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन द ECG। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि आज हम एक ECG दोबारा देखेंगे जो हमने कल देखा था। अब वो कहाँ गया है? यहाँ पे। ये ECG आपको याद आ रहा है, कल हमने बिल्कुल शुरू में देखा था, और इसमें हमने रेट रिदम को नहीं इतना फोकस किया था, हमने जल्दी से एक्सिस देखा था और एक इंटरवल देखा था। तो एक्सिस इस ECG का क्या है? दिस इज पॉजिटिव, 1 का पॉजिटिव, 2 का नेगेटिव, 3 का भी नेगेटिव, तो कौन सी एक्सिस डिविएशन है ये? लेफ्ट। लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, ठीक है। और कोई इंटरवल इसमें प्रोलॉन्ग हुआ हुआ था इस ECG में, एज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम? QRS कॉम्प्लेक्स। एक्सेलेंट, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वॉज प्रोलॉन्ग। तो जब हमने इसके डिफरेंशियल्स बनाए थे लेफ्ट एक्सिस डिविएशन के, ओनली व्हेन वी डिस्कस द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लेफ्ट आफ्टर लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, वी डिस्कस्ड टू थिंग्स। क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी? इट कैन बी बंडल ब्रांच ब्लॉक लेफ्ट साइड, और इट कैन बी हाइपरट्रॉफी। एक्सेलेंट। अब हम अपना फोकस ज़रा करते हैं इस ECG में चेस्ट लीड्स की तरफ। अभी आपने थोड़ी देर पहले चेस्ट लीड्स में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का प्रोग्रेशन देखा था। नाउ कंपेयर दैट विद दिस, इस ECG में व्हाट इज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेशन इन लीड 1? नेगेटिव 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 नेगेटिव, इक्विवोकल पॉजिटिव। यस, एक्सेलेंट, इसी तरह ही है। तो इज दिस नॉर्मल? नो। नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो इन चेस्ट लीड नंबर 1, V1, वी सी डीप एस वेव्स, डीपर एस वेव्स, स्टिल एस वेव्स, एस वेव्स, एस वेव, एंड फाइनली वी सी 1 स्मॉल पॉजिटिव। इसमें ये है कि डिपेंडिंग अपॉन, अगर हम इस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को देखें तो एस वेव इज़ बिगर, इट्स नेगेटिव, इसमें इक्विवोकल है, इसमें एस वेव आ नहीं रही, तो इट्स मोर लेस इन इक्विवोकल। तो ट्रांजिशन इज कमिंग एट V5, उसके बाद पॉजिटिव आ जाता है। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एन एबनॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन। एंड इन द फर्स्ट वेव इन V1 देर आर डीप एस वेव्स, एंड इन V6 देर आर समवट स्मॉलर बट दे आर स्टिल प्रेजेंट आर वेव्स।
पेशेंट हैज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, इस पेशेंट को हमने इसी के आखिरी बात आधे रास्ते में छोड़ा था, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस पेशेंट हैज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. अब हमें कैसे हमने डायग्नोसिस निकाला, जस्ट बेस्ड ऑन दिस ई सी जी दैट दिस पेशेंट हैज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. क्या क्राइटेरिया हमने देखे अभी तक? V1 में S बहुत डीप है, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट पहला क्राइटेरिया हमने क्या देखा था? QRS complex widened. Excellent. QRS complex is widened. तो मैं ये चीजें लिख लेता हूँ साथ साथ ताकि हमारे लिए आसानी हो. तो फर्स्ट थिंग वी सॉ दैट द QRS complex is greater than 120. Excellent. और क्या हमने अभी तक देखा है डायग्नोसिस में? दो चीजें हमने जो डिस्कस की हैं, अभी रिवाइज की हैं आपके साथ ही दोबारा इसी सीजी पे. लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, एक्सेलेंट. एंड फाइनली जो ये QRS वेव का प्रोग्रेशन है, अब इसको याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक है जो मैंने ऊपर लिखा है, इट्स विलियम. याद रखना कि इन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ऑलवेज ये लीड 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब इस लिहाज से आप याद रखें कि इन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन the L's they stand for left axis deviation या left bundle branch block. In left left bundle branch block V1 will show deep S waves और W का pointing and downward है तो S waves, and V6 will show upright waves और R waves. So these three things when they are present you should suspect that the patient has left bundle branch block. ठीक हो गया, दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. अब इसी तरह राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का जो है ना एक और इसी तरह निमोनिक है जो आप योग याद रखें, इजी रहेगा, इट्स द ऑपोजिट ऑफ दिस से क्या मतलब है कि इन लीड V1 देर विल बी टॉल आर वेव्स एंड इन लीड V5 और V6 देर विल बी S waves. तो विलियम एंड महरो. अब हम इन दोनों निमोनिक्स को दोबारा एक बार जल्दी से देख लेते हैं. अच्छा, इस ई सी जी पे ज़रा गौर करते हैं. इस ई सी जी में सिर्फ आप एक चीज़ देखें, बल्कि दो देख लें, दूसरी देखें नज़र नहीं आएगी. चलो एक तो एक्सेस जल्दी से देखें. इस ई सी जी में एक्सेस क्या है? नंबर वन, एक्सेस जल्दी से मुझे देख के बताएं. और सेकेंडली, QRS कॉम्प्लेक्स अगर मैं कहूँ इसमें नॉर्मल है तो प्रिकॉर्डियल लीड्स पे ज़रा गौर करें और बताएं कुछ एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है या नहीं. तो एक्सेस क्या है इसी सिटी में? लीड 1 इज पॉजिटिव एंड लीड 2 इज नेगेटिव. ठीक है, इक्विवोकल हमें लग रही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो द एस वेव इज स्लाइटली लार्जर, तो इट्स नेगेटिव. या चलो इक्विवोकल लिख लेते हैं अगर हमें कंफ्यूजन है. लीड 3 इज नेगेटिव. दिस पेशेंट हैज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. अब हम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में चेस्ट लीड्स को देखते हैं. QRS कॉम्प्लेक्स इसमें थोड़ा सा मुश्किल है इसीलिए में रीड करना, क्योंकि लार्ज बॉक्सेस सिर्फ शो है, मैं स्मॉल नहीं है. तो मैं आपको खुद बता देता हूँ कि QRS कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन इज नॉर्मल. अब इस पेशेंट की चेस्ट लीड्स में प्रोग्रेशन देखते हैं. मैं जल्दी से खुद ही मार्क कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को नज़र आ रहा है एस वेव्स हैं इसमें. चलो आर वेव इसमें बड़ी आ रही है, नेगेटिव QRS कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. ये तो लीड रिदम स्ट्रिप के दरमियान गलती से आ गई है. तो आर QRS कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेशन के बारे में क्या ख्याल है इसमें? ठीक है, जो हमने नॉर्मल है, जो पहले ईसीजी के हिसाब से डिस्कस किया था, पहली दो लीड्स में आर नेगेटिव होता है यूजुअली और एंड पॉजिटिव आता है. लेकिन ये प्रोग्रेशन उस लिहाज से तो ठीक है, बट देयर इज समथिंग एबनॉर्मल इन दिस प्रोग्रेशन. वो क्या है?
इक्विवोकल होना चाहिए। वी थ्री इक्विवोकल होना चाहिए, ठीक है। वी थ्री इक्विवोकल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन वी थ्री और वी फोर के दरमियान चेंज आती है अमूमन। तो वी फोर इज पॉजिटिव, वी थ्री में नेगेटिव है, ठीक है, चेंज इज हैपनिंग, ये ठीक है। उसके अलावा एक और किसी और चीज़ पे गौर करें इन लीड्स में। एस वेव डिसअपीयर नहीं हो रही, एक्सीलेंट। और एक और चीज़, QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, एक्सीलेंट। इट मींस दैट दीज लीड्स विच आर लुकिंग एट द V5 V6 लैटरल साइड एंड V4 समवट द एंटीरियर साइड, इनमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो इन अ पेशेंट हु हैज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एंड हु हैज अ नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स, इट मे बी ब्रॉट इन हु डज नॉट शो द टिपिकल विलियम पैटर्न ऑफ द फ्रंटल ब्रांच ब्लॉक, and in just leads V4, V5 and V6 we are seeing QRX complexes of increased amplitude. This patient has kya hai is patient ko left axis deviation ka dusra differential jo humne banaya tha, left ventricular hypertrophy. Excellent. This patient has left ventricular hypertrophy, ठीक है। तो these are the two ECTs of left axis deviation जो common उसके differential diagnosis हैं। You can see just how different they are. Left frontal branch block, left ventricular hypertrophy. इस पर मैं एक question mark लगाऊंगा अभी के लिए, क्योंकि इस ECT में एक और अच्छी finding है और वो इन्हीं दो लीड्स के अंदर है, V4, V5, V6। हमने इन्हीं को देखा था, इन्हीं के अंदर एक और जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो जैसे आ भी जाती है तो एंड पे डिस्कस कर लेंगे या कल स्टार्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब हम जल्दी से एक और ECG देखते हैं और इस ECG में हम रेट रिदम को स्किप करेंगे, हम जल्दी से एक्सिस देखेंगे और चेस्ट लीड्स को देखेंगे। Widened QRS complex. Widened QRS complex. Excellent. तो मैं findings लिखता जाता हूँ, आप लोग मुझे बताते जाएं, मैं लिखता जाऊँगा। QRS greater than 120. Excellent. और left axis deviation है, ठीक है। Right axis deviation है, तो दोनों तरफ आ गए। हम अभी question mark लगा लेते हैं, चलो इसको पहले देख लेते हैं फिर हम चेस्ट लीड्स की तरफ आते हैं। लीड वन क्या है? नेगेटिव। लीड वन इज नेगेटिव। एक्सीलेंट। तो लीड वन इज नेगेटिव मीनिंग दैट करंट मस्ट लाई समवेयर इन दिस सेमी सर्कल। लीड टू क्या है? नेगेटिव है। तो लीड टू की डायरेक्शन नीचे की तरफ आती है, तो अगर मैं ड्रॉ करूं ओवरलैप एरिया इट्स कमिंग आउट टू बी दिस एरिया, ठीक है। और लीड थ्री क्या है? नेगेटिव। लीड थ्री की डायरेक्शन ये होती है, लीड थ्री नेगेटिव का मतलब है कि ओवरलैप एरिया और श्रिंक हो गया, इट्स दिस पार्ट। और AVR क्या है? पॉजिटिव। AVR पॉजिटिव है, तो AVR यूजुअली नेगेटिव होती है। AVR पॉजिटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक एसिडिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द AVR। तो इस पेशेंट में कौन सी एक्सिस डेविएशन है? राइट एक्सिस डेविएशन है। एक्सीलेंट। दिस पेशेंट हैज राइट एक्सिस डेविएशन। अब हम जल्दी से इस पेशेंट की चेस्ट लीड्स देख लेते हैं। चेस्ट लीड्स में QRS कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आप लोग ही मुझे बताएंगे कि क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी से बताना है। V4 positive, V5 positive, V6 positive, V6 positive, ठीक है। तो पेशेंट अच्छा, उसके अलावा लीड वन में V1 में क्या आ रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब लीड V6 में नॉर्मली एस वेव्स नज़र आती है? नहीं आती। अब V5 में V4 में देखें, हमने प्रोग्रेशन जब डिस्क्राइब किया था हमने कहा था कि एस वेव्स दे डिसअपीयर।
तो एस वेव्स आर स्टिल प्रेजेंट और दी सो एस वेव्स आर प्रेजेंट. आप एक पेशेंट है जिसका QRS कॉम्प्लेक्स ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड है, जिसके राइट एक्सिस डिविएशन है, जिसमें लीड V1 और लीड 2 में तो M बंद रहा है, V3 में भी M बंद रहा है, यानी कि टॉल QRS वेव्स हैं और एक्चुअल ही एक M बन रहा है, ठीक है, एक M बन रहा है एंड V6 हैज S वेव्स. दिस पेशेंट हैज क्या पैथोलॉजी है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. दिस पेशेंट हैज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को देखने के लिए एक तो एक्सिस डिविएशन आपको याद होनी चाहिए, एक QRS कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन याद होनी चाहिए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली देन दीज टू, इनको मैं साइड पे करूँ, इज द निमोनिक. एम वेव्स या एम बन जाता है, मतलब रैबिट ईयर्स बनते हैं थोड़े से, दीज आर टू एस वेव्स, टॉल एस वेव्स, सॉरी आर वेव्स, मैं गलत बोल गई हूँ, आर वेव्स इन V1, V2 एंड प्रेजेंस ऑफ एस वेव्स इन V6. दिस पेशेंट हैज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. तो अभी तक हमने बंडल ब्रांच ब्लॉक्स के ECGs देख लिए और एक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का ECG देखा है. भाई जी, ये जो M बन रहा है इसमें, ये जो M बनता है इसमें एक तो QRS कॉम्प्लेक्स है, दूसरी ये जो दो आती हैं मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, मतलब V1 और V2 में जो दो पीक्स आ रही हैं इनमें से एक कौन सी है और दूसरी कौन सी? बिल्कुल, आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ. QRS कॉम्प्लेक्स में जो पहली अपर डिविएशन होती है उसे क्या कहते हैं? R wave. तो दिस इज an R wave. दूसरी क्या होती है? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन अगर आए तो उसे क्या कहेंगे? सॉरी, अपवर्ड R है, डाउन S wave. और अगर एक दोबारा QRS कॉम्प्लेक्स में अपवर्ड आ जाए फिर उसे क्या कहेंगे? उसे भी हम R wave कहेंगे. तो दिस इज एन RSR wave. दिस इज नॉट अ QRS, ठीक है, इट्स एन RSR. और इसकी मॉर्फोलॉजी हम जल्दी से, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जो अच्छी थी. यस, ये देखो, ये इस तरह की वेव है. दिस इज एन RSR, ठीक है. द इनिशियल इज अ स्मॉल R वेव, क्योंकि स्मॉल है, इट्स R S और फिर R. ये कॉमर्स जो ऊपर लगे हुए इनको अभी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें और एक और देखते हैं यहाँ पे. QRS नहीं, बस यही वाली मॉर्फोलॉजी है इधर, ठीक है. स्मॉल वेव अपवर्ड डिफ्लेक्शन, इट्स अ स्मॉल आर, देन एन एस जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जा रही है, देन एन अदर लार्जर आर विच इज सेकेंड, तो RSR. जो अभी हमने देखी है दीज आर RSR वेव्स या RSR कॉम्प्लेक्स. इट्स नॉट अ QRS कॉम्प्लेक्स, इट्स एन RSR, क्योंकि दो अपवर्ड डिफ्लेक्शन हैं और दोनों ही R वेव्स हैं. ठीक हो गया? अगर ये बेसलाइन को टच ना कहती तो इट वुड हैव बीन एन RR वेव. मतलब देखो, बेसलाइन को टच नहीं कह रहे. तो ये एक चीज थी जो हमने पिछली बार कंप्लीट नहीं की थी एक्सिस डिविएशन के हवाले से. आज हम दोबारा से अरिथमियाज में घुसेंगे और हम थोड़ा सा निकलने के लिए आज देखेंगे. तो ये 4-5 केसेस हैं जिनकी ECG साथ लगी हैं और इनका मकसद ये है कि आज हम इनकी मैनेजमेंट सीखें. तो दिस इज़ द फर्स्ट ECG विच वी हैव टू सी टुडे. This is an ECG of a 75-year-old patient. इसमें सिर्फ एक ही पैथोलॉजी है और वो जब ECG को सीक्वेंस में आप देखेंगे तो आप पहले ही पकड़ लेंगे, और ज़्यादा इसमें हमें डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है. तो what is the abnormality in this ECG? Bradycardia. Excellent. This patient has bradycardia. हम रेट को भी कैलकुलेट नहीं करेंगे लेकिन रिदम भी हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे. दिस पेशेंट हैज ब्रैडीकार्डिया. तो रिदम क्या है इस पेशेंट में अगर आप एट अ ग्लांस देखें? नॉर्मल. नॉर्मल, नॉर्मल से क्या मुराद है? रेगुलर. एंड व्हेन वी से दैट द रिदम इज रेगुलर, उसके पीछे हम के साथ कुछ और ऐड करते हैं, सेंटेंस फेज के पी वेव देखते हैं. तो दिस पेशेंट हैज अ रेगुलर साइनस रिदम. एक्सीलेंट. तो दिस इज व्हिच काइंड ऑफ ब्रैडीकार्डिया? साइनस ब्रैडीकार्डिया. तो आपके पास एक 75 साल बाबा जी हॉस्पिटल में आ गए हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और आपको कुछ और नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि पेशेंट आपके सामने और आपके हाथ में ECG पकड़ा दी गई है. हाउ विल यू फर्दर मैनेज दिस पेशेंट? हाउ विल यू अप्रोच दिस पेशेंट?
That should be the question. क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी इस पेशेंट की तरफ? आपको बस इतना पता है, आप कमरे में दाखिल हुए हैं तो सामने एक बाबा जी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और आपको हाथ में बस ईसीजी पकड़ा दी जाती है कि ईसीजी है, अब आपने करना है जो करना है, क्या करेंगे? वाइटल्स लेंगे। एक्सेलेंट, तो आपने एक एग्जामिनेशन का पार्ट बता दिया कि वी विल टेक वाइटल्स। एक्सेलेंट, वाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कर सकते हैं? CBC ESR करवा सकते हैं, तो आप सीधे चलेंगे इन्वेस्टिगेशंस पे। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए? ये करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस करने से पहले एग्जामिनेशन में कुछ नहीं देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन तो इस नंबर टू इज GPE आपने बता दिया। ठीक है, और कुछ ज़हन में आ रहा है? हिस्ट्री। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री सबसे पहले होती है। ये सीक्वेंस आपका हर जगह चलेगा, बेशक आप एक कमरे में दाखिल हो, आपको हाथ में इसी तरह पकड़ा दें और कुछ नहीं, तो दिस सीक्वेंस इज अगेन वाइटल, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इसके बगैर आप नहीं चल सकते। अब इस पेशेंट की मैं आपको दो हिस्ट्रीज प्रेजेंट करता हूँ और हम दो हिस्ट्रीज के लिहाज से एक पेशेंट को देख लेते हैं। ठीक है, इसी पेशेंट, ही हैज द सेम, मतलब टू पेशेंट्स हैं हु हैव द सेम ईसीजी। इन द फर्स्ट पेशेंट द हिस्ट्री इज दैट द पेशेंट इज अनकॉन्शियस। भाई इसकी अभी इस पेशेंट का जो रेट है वो बहुत कम है, 30-40 के दरमियान पड़ रहा है, तो हमें सबसे पहले हिस्ट्री और इनसे पहले अगर ER में हम बैठे हैं तो हमें इसको कुछ देना नहीं चाहिए। देना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 30 और 40 पे एक पेशेंट को आपने ड्रग्स देनी है या सिर्फ ऑब्जर्व करना है या क्या करना है, उस डिसीजन तक लाने के लिए आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत है जो शायद हिस्ट्री, मैं वो हिस्ट्री से बात नहीं कर रहा, जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना इधर, हम सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की बात कर रहे हैं या उसकी जल्दी से ड्यूरेशन, हम वो पूरी आधे घंटे की या घंटे की हिस्ट्री नहीं लेना चाह रहे पेशेंट से, हम एक ब्रीफ हिस्ट्री लेना चाह रहे हैं कि बाबा जी आए क्यों या किस वजह से लाया गया। तो हम आपकी बात बिल्कुल ठीक की है, हम उस डिसीजन तक पहुँचेंगे वाया ब्रीफ हिस्ट्री और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो पहला पेशेंट है ही हैज़ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड द सेकेंड पेशेंट इज़ चलो उनकी हम कहते हैं कि अदरवाइज ये किसी और वजह से आए हैं, अदर कंप्लेंट की वजह से, और उनकी एक ECG साथ ले ली गई है। हिस्ट्री की फाइंडिंग्स ये थी इन दोनों पेशेंट्स में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? आपने जल्दी से इन दो पेशेंट से हिस्ट्री ले ली, टेम्परेचर और BP वगैरह क्या हैं? एक्सेलेंट, तो जल्दी से आप वाइटल्स पर आ जाएंगे। GPE इज सेकेंडरी एंड इन्वेस्टिगेशंस आर सेकेंडरी, इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट आवर इन्वेस्टिगेशंस सॉरी एग्जामिनेशन टेल्स अस। तो वाइटल्स की बात करते हैं, द फर्स्ट पेशेंट हु हैज प्रेजेंटेड विद वाइटल्स, तो BP आप ऊपर से देख लें जितना है, इट्स उतनी उसके रेट होगा। Other than that, blood pressure. एक तो BP है, इसको इस तरह लिख लेता हूँ, BP ऊपर से आपने देख लिया, और BP तो ब्लड प्रेशर ही होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, पल्स आपने ऊपर से देख लिया, और ब्लड प्रेशर मैं आपको बता देता हूँ कि दिस पेशेंट हैज़ अ ब्लड प्रेशर ऑफ 80/50। सेकेंड पेशेंट, पल्स अगेन आपने ECG से देख लिया, यू सेड इट वॉज ब्रैडीकार्डिया, and the BP of the second patient is what? इसका हम कह लेते हैं 110/70। अब आप मुझे बताएं कि how will you further proceed with the management of these two patients? Cardiac troponins कराएंगे, ठीक। सेकेंड वन को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और फर्स्ट वन के साथ क्या करेंगे?
फर्स्ट में कार्डियक ट्रोपोनिन। कार्डियक ट्रोपोनिन कराने का, ठीक है। ट्रोपोनिन के बारे में जरा मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ, ट्रोपोनिन कराने का मकसद क्या है? ट्रोपोनिन कराने का मकसद ये है कि हम एक पेशेंट में कंफर्म करना चाह रहे हैं कि निक्रोसिस हुई है या नहीं। बिल्कुल, तो अगर हम एक पेशेंट क्लिनिकली सस्पेक्ट कर रहे हैं निक्रोसिस या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वी वुड लाइक टू परफॉर्म इन सच पेशेंट्स इज एन ईसीजी। तो दिस ईसीजी डज नॉट शो एनी एसटी सेगमेंट चेंजेस। This patient does not have the ECG changes, so we will not perform cardiac troponin in this ECG. In this patient. In this patient, we have. आप खुद देखें कि एक patient है. He has presented with loss of consciousness. The other patient is awake, oriented, वगैरह सारा कुछ है. And so, जो patient जो loss of consciousness के साथ आया था, he has हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी। क्या है इसमें? इनस्टेबिलिटी है, व्हाइल द अदर पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। हाउ विल योर मैनेजमेंट प्रोसीड फ्रॉम हियर? नॉट एक्चुअली सेगमेंट में एमआई होता है उसमें, तो नहीं जरूरी कि वो इस तरह से चेंजेस आए इसमें, वी कुड बी नॉर्मल देखते हैं। किस एमआई में? एंड स्टेमिंग। एन स्टेमी में देखो, एन स्टेमी में एस टी एलिवेशन ना हो लेकिन उसमें बाकी चेंजेस ज़रूर होती हैं। उसमें यू वेव आती हैं, टी वेव इन्वर्जन होती हैं, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन होती हैं, ठीक है। कोई ना कोई तो चेंज मिलती है, तो वो चेंजेस नहीं। दूसरा हिस्ट्री जो है ना इसकी थोड़ी सी नहीं रखी है, तो एक्सलेंट। द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट ऑन द राइट इज दैट यू विल स्टार्ट IV line, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। IV line, what is the purpose of starting an IV line in this patient? Blood test के लिए भी या फिर अगर कुछ transfuse करना हो। Excellent, so number one infuse करना है, infusion, and second is tests, ठीक है। तो अभी आपको मैं इस एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो आगे हर जगह apply होती है। Whenever you have a patient with an abnormal rhythm or rate on an ECG, the most important thing which will guide your management is whether the patient is in hemodynamic stability or not. Always remember. Inotropes, ठीक है। आप inotropes का मकसद क्या है इस patient में देने का मकसद? BP को regulate करेगा। BP को रेट भी इंक्रीज करेगा। एक्सेलेंट, तो द मेन थिंग इज वी वांट टू इंक्रीज द रेट। द रेट इंक्रीज करने के लिए ड्रग्स देंगे इस पेशेंट में, एंड दैट इज व्हाट वी विल डू इन दिस पेशेंट हु हैज प्रेजेंटेड विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। वी विल मेंटेन इन आईवी लाइन, ठीक है। उसके साथ ही मैं पहले लिख लेता हूँ बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं। ईसीजी लेनी तो एक O2 या पल्स ऑक्स भी आप लगा लेंगे इस पेशेंट के साथ, ठीक है। आईवी लाइन मेंटेन करने का मकसद ये है कि इस पेशेंट पे आपने ड्रग स्टार्ट करनी है बिकॉज ही इज हीमोडायनेमिकली इनस्टेबल। द पर्पस ऑफ दीज ड्रग्स इज टू इंक्रीज द हार्ट रेट। इस पेशेंट में पहली ड्रग आप कौन सी देंगे विच विल इंक्रीज हार्ट रेट, या कौन कौन सी ड्रग्स आप दे सकते हैं? सिंपैथोमिमेटिक्स। एक्सीलेंट, तो आप किसी का नाम बताएं यहाँ पे। सिंपैथोमिमेटिक और कोई आपके ज़हन में आ रही है इस तरह की? डोपामीन, डोब्यूटामीन कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे ज़्यादा करती है, हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए भी आप दे सकते हैं। तो यस, डोपामिन कैन आल्सो बी गिवन। डोब्यूटामिन ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे करती है। इसके अलावा एक और ड्रग है जो काफ़ी यूज इस्तेमाल होती है, एंड इट्स एक्चुअली द फर्स्ट ड्रग वी गिव इन सच पेशेंट्स। उसका नाम ए से शुरू होता है, एट्रोपीन। एट्रोपीन, एक्सीलेंट। तो इन सच पेशेंट्स, अगर आपके पास एक पेशेंट आया है इन ब्रैडीकार्डिया,
who has who's hemodynamically instable, sorry, unstable hemodynamic instability, though the first medication you will start on this patient is atropine. If atropine does not work, you will give this patient epinephrine or dopamine. ठीक है, तो ये है आपकी acute emergency management for a patient who has bradycardia and who is hemodynamically unstable. अब इस patient में tests करवाने का मकसद क्या है? मैं नहीं पूछूंगा tests labs कौन सी करवानी चाहिए, but what is the purpose of performing lab investigations in such patient? Cause पूछने के लिए, पता करने के लिए. Cause पता करने के लिए, excellent. तो cause, तो आप देखें कि whenever you have a patient in an emergency setting, acute setting, you first need to perform a quick history and examination ताकि आप अपनी management plan कर सकें. Then you institute the immediate treatment or the immediate management of in such patients. And finally, when you have stabilized these patients, then you can perform lab tests or you send lab tests in order to determine the cause और फिर आप उस लिहाज से उनकी management further करें. ठीक है, क्या तो इन द सेकेंड पेशेंट हु इज हीमोडायनामिकली स्टेबल व्हाट शुड बी डू, क्या हमें ये सारा कुछ करना चाहिए या हम क्या करेंगे इस पेशेंट में? ऑब्जर्व करेंगे. एक्सीलेंट, तो इन दिस पेशेंट वी विल जस्ट सिंपली ऑब्जर्व हिम. नंबर वन, वी विल ऑब्जर्व हिम इन द वार्ड एंड फाइनली पेशेंट इज स्टेबल. नाउ वी कैन टेक अ हिस्ट्री एग्जामिनेशन बाकी जिस वजह से आए थे उस वजह से एंड फाइनली वी विल ट्राई टू डिटरमिन द कॉज ऑफ दिस पेशेंट्स ब्रैडीकार्डिया. तो दिस इज हाउ यू विल मैनेज अ पेशेंट हु प्रेजेंट्स विद ब्रैडीकार्डिया. द ड्रग्स ये हैं, बट यू नीड टू नो इन विच पेशेंट यू विल स्टार्ट ड्रग्स एंड इन विच पेशेंट यू विल जस्ट सिंपली ऑब्जर्व. इसी के साथ साथ मैं आपको एक जनरल नोट पर बता दूं कि व्हेनेवर यू हैव अ पेशेंट इन द ईआर हु इज अनरिस्पॉन्सिव या नहीं मतलब अपने आप को संभाल सकते लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ है, देयर आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू असेस वेदर द पेशेंट कैन कंट्रोल हिज एयरवे, क्या वो अपना सांस की नाली नाक मुंह ट्रेकिया उनका ओपन है, क्या वो उसको ओपन रख सकते हैं. द सेकेंड थिंग इसी के साथ मैं ब्रीदिंग डाल देता हूँ, एयरवे एंड ब्रीदिंग. इज द पेशेंट ब्रीदिंग ऑन देयर ओन, दैट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू सी. एयरवे एंड ब्रीदिंग के बाद यू हैव टू सी वेदर द सर्कुलेशन ऑफ द पेशेंट इज एडिक्वेट. इन ऑर्डर टू चेक द सर्कुलेशन यू डू अ फ्यू थिंग्स. सर्कुलेशन में साथ ही आप करते भी हैं साथ ही देखते ही हैं. You measure the BP of the patient. Okay. You can maintain an IV line. ये भी circulation के साथ करती हैं. And finally, you can use a pulse ox. So if any patient presents to you unconscious, you have to see whether consider these things first. एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू द इन्वेस्टिगेशन. आप इस पेशेंट में तो मैंने ECG आपको पहले ही पकड़ा दी क्योंकि हम ECG पर फोकस कर रहे हैं, बट इफ दिस पेशेंट प्रेजेंट्स यू विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड. देन यू विल गेट एन ECG, देन यू विल स्टार्ट विद द IV लाइन मतलब इन्फ्यूजन, फिर आप स्टार्ट करेंगे IV लाइन तो आप इधर ही मेंटेन करेंगे. ठीक है, दिस इज द एक्यूट और इमरजेंसी मैनेजमेंट विच शुड बी फॉलोड इन एवरी पेशेंट. भाई क्वेश्चन है जी, पूछे ये जो केस है इसमें सबसे कॉमन कॉज क्या हो सकती है, जिस तरह से बीपी भी कम ब्रैडीकार्डिया भी है उसको साथ में ब्रैडीकार्डिया भी है और ECG इस तरह से आ रही है, ECG भी आ रही है, अदरवाइज नॉर्मल है बस ब्रैडीकार्डिया तो क्या वजह हो सकती है? साइनस ब्रैडीकार्डिया का मतलब ये है कि साइनस रिदम मतलब जो साइनस SA नोड है इट इज स्टिल इन कंट्रोल ऑफ द हार्ट, हाउएवर इट इज functioning at a lower rate, तो उसमें कोई मसला है. This patient can have an मतलब ये MI के बाद हो सकता है कि काफ़ी स्पेक्ट्रम है डिजीज़ का उनके बाद हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वन जो मेरे जहन में फ़ौरन आ रहा है MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हो सकता है. फिर हो सकता है कि इस पेशेंट ये कोई ड्रग्स ले रहा हो,
आप कोई ऐसी ड्रग्स का मुझे नाम बता सकती हैं जो साइनस नोड पे बीटा काम करें? ब्लॉकर्स बेटा वगैरह? ब्लॉकर्स, एक्सीलेंट। दिस पेशेंट कैन बी टेकिंग बेटा ब्लॉकर्स। इस पेशेंट को हो सकता है कोई इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ हो। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ में हाइपरकेलीमिया कैन बी अ कॉज। इस पेशेंट को एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो सकता है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम जो हार्ट रेट डिक्रीज करे, चलें आपको उस हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सीलेंट। तो दिस पेशेंट कैन हैव एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। फॉर अ हाउस ऑफिसर, फॉर एमरजेंसी प्रेजेंटेशन, वी नीड टू फर्स्ट मैनेज दिस पेशेंट, देन वी प्रोसीड टूवर्ड्स फाइंडिंग आउट के इन जो डिफरेंट कॉजेज में से कौन सा कॉज हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट एमरजेंसी मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, देन यू शुड नो कि ये कॉजेज हैं, एंड देन यू विल स्टार्ट टू इन्वेस्टिगेट। वंस द पेशेंट इज स्टेबल, जब उसकी लाइफ आपको पता है कि इट्स नॉट इन इमीडिएट डेंजर, यू हैव परफॉर्म्ड इमीडिएट मैनेज मेजर्स, फिर आप उसके बाद मैनेजमेंट फर्दर कॉज की तरफ जाएंगे। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्रैडीकार्डिया। अब हम इस पेशेंट को देखते हैं। अगेन रेट और रिदम पे हम फोकस करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं देखेंगे। पेशेंट की रिदम स्ट्रिप अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो 2 AVL V2 को हम देख लेते हैं और उससे हम रेट और रिदम कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से विदाउट रेट कैलकुलेटिंग, रेट नॉर्मल है, ब्रेडिकार्डिया है, टैकीकार्डिया है? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, एक्सीलेंट। टैकीकार्डिया का हमने एल्गोरिदम डिस्कस किया, तो वी सेड दैट इफ वी सी अ टैकीकार्डिया, द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज लुक एट द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। QRS complex narrow in this patient or not? Narrow है। Narrow है। तो this is a narrow complex tachycardia. Narrow complex के tachycardia के differentials में क्या-क्या आते हैं? Supraventricular। Narrow atrial complex। flutter, fibrillation। ठीक है, fibrillation, flutter। narrow complex का मतलब ये है कि supraventricular। Atrial flutter is a supraventricular tachycardia. Atrial fibrillation is a supraventricular tachycardia. और कौन से दो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम? AVNRT। AVNRT एंड AVNRT, एक्सीलेंट। अब इनमें से आपको क्या लगता है कि इस पेशेंट को क्या है? डज दिस पेशेंट हैव एट्रियल फिब्रिलेशन? नो नो। व्हाई व्हाई डज दिस पेशेंट वो नॉट? इरेगुलरली इरेगुलर होती है। बिल्कुल, द रिदम इज रेगुलर, दिस पेशेंट डज नॉट हैव एट्रियल फिब्रिलेशन। पीछे कौन से दो रह गए? फ्लटर भी नहीं है। फ्लटर और AVRT स्लैश AVNRT दोनों को हम साथ ग्रुप करते हैं। क्या इस पेशेंट को फ्लटर है? नो। आपको लीड टू में फ्लटर वेव्स नहीं नजर आ रही, बिल्कुल ठीक। क्या इस पेशेंट को फिर क्या लगता है, आपको क्या मसला है? व्हाट डू यू थिंक दिस पेशेंट हैज देन? फ्लटर भी नहीं है, फिब्रिलेशन भी नहीं है, फिर क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि SVT इज अ ब्रॉड टर्म और उसमें एट्रियल फिब भी आता है, एट्रियल फ्लटर भी आता है, माइग्रेटिंग एट्रियल टैकीकार्डिया भी आता है, एट्रियल टैकीकार्डिया भी आता है, सारा कुछ आता है। हमने जो अभी तक 4 नाम लिए हैं, हमने 2 एलिमिनेट कर दिए, तो बाकी 2 कौन से रह गए जो हो सकते हैं इस पेशेंट को? AVNRT और AVRT। एक्सेलेंट, दिस पेशेंट माइट हैव एन AVRT और एन AVNRT। ये बाबा जी 75 ईयर ओल्ड, दोबारा से किस्मत इनकी कुछ ऐसी है, हमारे पास आ गए हैं। How will you proceed with this patient? history examination, excellent। जो अभी हमने points discuss किए हैं, अब हम उनको दोबारा देखेंगे। तो उनको मैं दोबारा repeat नहीं करूँगा, बस मैं उनके salient features इस बार लिखने लगा हूँ। और वो ये हैं कि जो patient one है who has presented this injury, जो पहले हमारे पास बाबा जी 75 साल के, number one, he presents to you with loss of consciousness. Number two, when you assess the blood pressure of this patient, his blood pressure is 80 by 50 millimeters of mercury. Yeah, ठीक है, this is our first case. Number one, अभी मैं 3 केस करने लगा हूँ। Number three, पहला patient जो है, he has loss of consciousness. Second is short of breath. Number one. नंबर टू, इस इनका BP जो है वो नॉर्मल है, 100 से ऊपर आपको मिल रहा है। हाउएवर ही हैज़ बायलैटरल बेजल क्रैकल,
नंबर थ्री हमारा तीसरा पेशेंट, पेशेंट इज अवेक ओरिएंटेड, हाउएवर ही इज सिंपली एंग्शियस. ऑन एग्जामिनेशन वाइटल्स जब हम ले रहे हैं, हिज बीपी इज नॉर्मल. अभी तीन केसेस आपके पास, तीन सिनेरियोस आ रहे हैं, क्या करेंगे, किस में क्या करना है? या एक जनरल हमने प्रिंसिपल देखा है कि सबसे अर्जेंट या सबसे अर्जेंट तो नहीं कहेंगे, सबसे इन्वेसिव मैनेजमेंट, एक तरह से इन्वेसिव कह लेते हैं, सबसे रेडिकल मैनेजमेंट किस पेशेंट पे होनी चाहिए? फर्स्ट में. और सबसे ऐसी मैनेजमेंट जो थोड़े से आराम से भी की जाती हो सिंपल टर्म्स में, वो किस पेशेंट होनी चाहिए? थर्ड पेशेंट. एक्सेलेंट. अच्छा, आपके पास ये पेशेंट्स हैं तीन और ईसीजी आपने ऊपर देख लिया है. अब आप मुझे ये बताएं कि इस ईसीजी में हमारा इस पेशेंट का मकसद क्या है? जिस तरह लास्ट पेशेंट हमने ब्रैडीकार्डिया का देखा था, आवर इंटेंशन वाज टू इंक्रीज हिज हार्ट रेट समहाउ सो दैट हिज हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी इज बेटर्ड. इस पेशेंट में हमारा क्या मकसद है? एक्सेलेंट. तो हार्ट रेट डिक्रीज करना पहली बात. दूसरी बात क्या है कि सिर्फ हार्ट रेट ही डिक्रीज करना है या कुछ और भी मसला है? ब्लड प्रेशर को स्टेबल करना है. बीपी को स्टेबल करना है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है. हार्ट रेट आपने मैनेज करना है, बीपी स्टेबलाइज करना है. लेकिन ये जो ऊपर पेशेंट है, इसमें सिर्फ हार्ट रेट स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है या कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसको आप टर्मिनेट करना चाहेंगे, जिसको आप ख़त्म करना चाहेंगे? जो कंडक्शन हो रही है. एक्सेलेंट. तो वो जो रिदम एक ख़राब हुआ हुआ है, क्या आप उसको ठीक करना चाहेंगे? ठीक है. इसका मकसद मतलब ये है कि जो रिदम बना हुआ है ना, देखो दिस पेशेंट हु हैज़ ए सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, हमें पी वेव्स नज़र नहीं आ रही, हमने इसको ए वी आर टी या ए वी एन आर टी कह दिया था. हमारा मकसद ये है कि इस टैकीकार्डिया को, इस एबनॉर्मल रिदम को ख़त्म करें. जब हम ख़त्म करेंगे तो पेशेंट का एक तो बी पी भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, होपफुली वी आर उम्मीद, इस उम्मीद में हम हैं, और नंबर टू पेशेंट का पल्स भी नॉर्मलाइज हो जाएगा. एक्सेलेंट. एंटी अरिथमिक्स देंगे. अब एंटी रिदमिक मेडिकेशन जो है वो कौन सी होती है जो हम एक एसवीटी में यूज़ कर सकते हैं? एंटी रिदमिक्स बहुत मुसीबत वाली चीज़ें हैं, फार्मा में सबसे मुश्किल होता था ये, इनको रट्टे मारना, इनको याद रखना, थोड़ा सा हमारे यहाँ पे आसान काम है. चलो क्लास टू की ड्रग्स देंगे हम. इतना क्लासेस में भी डीप नहीं जाएंगे, हम सिंपल एक या दो ड्रग्स के नाम याद रखेंगे जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, जो ज़रूरी होती है. अच्छा, अब आप मुझे इसमें बताएं कि वेंट्रिकल्स क्यूरेक्स कॉम्प्लेक्स इसमें नैरो है, इसका क्या मतलब है कि वेंट्रिकल्स नॉर्मली डीपोलराइज हो रही हैं? बिल्कुल ए वी नोड से नॉर्मली डीपोलराइज हो रही हैं और ऊपर से कहीं से करंट जनरेट हो रहा है. अब इस पेशेंट में जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम है, वो काम है वेंट्रिकल्स का. एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि जब हमने ए वी आर टी और ए वी एन आर टी को डिस्कस किया था, वी सेड दैट इन ए वी एन आर टी, जिसमें नोड के अंदर है, ए वी एन आर टी में हमने कहा था ये कि जो नोड है, ऐसे नोड ओवर हेयर, इसके अंदर वो जो है वो सर्किट चल जाता है, ऐसे ही है. यही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, इन ए वी आर टी, ए वी एन आर टी सॉरी, और ए वी आर टी में हमने कहा था कि दी सर्किट इट स्टार्ट्स, मतलब सर्किट में एक एक्सेसरी पाथवे आता है और ए वी नोड उसको बार बार घुमाता है. तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस पेशेंट में ये टैकीकार्डिया या ये रिदम ख़त्म करना चाहूँ, तो मुझे एक ऐसी ड्रग देनी चाहिए जो किस जगह पे एक्ट करे इन दोनों में? एक्सीलेंट. तो इन सच ए केसेस आई वुड लाइक टू गिव अ ड्रग विच शुड ब्लॉक दी या एक्ट ऑन दी ए वी नोड. जब वो ए वी नोड पे ब्लॉक करेगी, ए वी नोड पे एक्ट करेगी,
तो जो अंदर सर्किट है एक तो इसके अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, सेकेंडली इसके अंदर जो ये सर्किट बन रहा है जब ए वी नोड रिफ्रैक्ट्री होगा ब्लॉक होगा तो दिस सर्किट विल नॉट प्रोपोगेट एंड द रिदम विल बी टर्मिनेटेड. तो इन ए वी आर टी इन ए वी एन आर टी वी शुड गिव पेशेंट्स ए वी नोडल ब्लॉकिंग एजेंट्स. वॉट आर सम ए वी नोडल ब्लॉकिंग एजेंट्स जो आपने पढ़े हुए हैं? और क्या हो सकते हैं? बीटा ब्लॉकर्स. एक्सीलेंट. सो दीज आर सम ऑफ द ड्रग्स व्हिच यू विल गिव इन दिस पेशेंट. आप इस पेशेंट पे एमियोड्रोन नहीं देते. एमियोड्रोन ऑलवेज रिमेंबर, आप मुझे इसकी फार्माकोलॉजी याद इस वक्त नहीं आ रही, बट एमियोडेरोन इज नॉट यूज फॉर सुप्राविंट्रिकुलर टैकीकार्डियास. ठीक है. तो एडीनोसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, द फर्स्ट या ड्रग ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट हु हैज एसवीटी और उसमें आप रिदम या इसको करना चाह रहे हैं, व्हाट इज दैट ड्रग? एडीनोसिन. एक्सीलेंट. तो ड्रग ऑफ चॉइस इज एडीनोसिन. तो आपको अभी ड्रग्स का पता लग गया. कोई ए वी नोट, कोई और ए वी नोट में कंडक्शन स्लो करने का कोई और तरीका आप लोगों के जहन में आ रहा है या किसी को पता है? मैनूवर होता है ना, आई मसाज को जो प्रेशर डालते हैं. बिल्कुल. एक्सीलेंट. तो देयर आर सम मैनूवर्स व्हिच आर टर्म्ड वेगल मैनूवर्स. आपको पता है कि वेगस नर्व इट इनर्वेट्स, पता नहीं मैनूवर्स की क्या स्पेलिंग है, A vagus nerve innervates the AV node. अगर vagus nerve stimulate होगी तो AV node पे vagus influence ज़्यादा होगा, उसके अंदर से conduction में वो एक delay आ जाएगा. तो AV node को करने के लिए एक carotid massage is a technique which is used. Valsalva maneuver है कि आप सांस लें, नाक बंद करें और उनके नाक से सांस बाहर निकालो. फिर ये दो common है. ठीक है. तो अभी आपने ए वी नोड में से कंडक्शन ब्लॉक करने के दो तरीके मुझे बता दिए. अब एक पेशेंट है, आईज के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं, आईज के ऊपर वो भी इसमें हो सकता है. आईज के ऊपर वाला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वेगल मैनूवर्स में आता है कि नहीं आता, लेकिन यूज़ नहीं होता वो एस वी टी की टर्मिनेशन में या उसमें. ये वेगल मैनूवर में ये वो काउंट नहीं होता. उसमें जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो कैरोटिड मसाज है और दूसरा है वेलसेल्वा मैनूवर. ठीक है. कैरोटिड मसाज एंड वेलसेल्वा आपने याद रखने हैं. अच्छा, ये तो हमने कहा कि हमने इसका रिदम पेशेंट का टर्मिनेट करना है और टर्मिनेट करने के लिए हमें ए वी नोड के अंदर से कंडक्शन डिले करनी है. फॉर दैट वी कैन यूज अदर ड्रग्स और वी कैन यूज मैन्यूवर्स. ड्रग्स मैन्यूवर्स से पहले या कोई रैपिड कोई ऐसा तरीका है कि कोई भी पेशेंट उसका एबनॉर्मल रिदम हो उसको टर्मिनेट अगर हम करना चाहें, a more rapid effective way, it is even more radical. radical se murad ke aasan simple se nahi hai. kya cheez? defibrillation. excellent. isko hum ek broader term ke andar likhte hain aur isko hum kahenge electrical cardioversion. cardioversion ka matlab ye hai ki we are returning, you are trying to return the rhythm to normal, and by electrical we mean that we are using electricity. If this is electrical cardioversion, ye kya hai usage of adenosine, what is this then? ye kaun si cardioversion hai? chemical. excellent. this is chemical cardioversion. theek hai. to chemical cardioversion. अब आपने तीन मैन्यूवर्स देख लिए हैं जिससे हम इस पेशेंट में प्रोसीड कर सकते हैं. दीज आर द थ्री वेज इन विच वी कैन प्रोसीड. पेशेंट वन में क्या करना चाहिए? नंबर वन में पेशेंट वन हु हैज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हु हैज हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, हाउ शुड बी प्रोसीड इन पेशेंट वन? इलेक्ट्रिकल कार्डियो. एक्सीलेंट. इलेक्ट्रिकल और केमिकल, इन दोनों में से अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक इज़ रैपिड और
इट्स रैपिड एंड इट्स मोर इफेक्टिव, तो फिर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करेंगे या कार्डियोवैस्कुलर करेंगे? इलेक्ट्रिक करेंगे, इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन, बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन इन सच केसेस, ठीक है, जो एक पेशेंट जिसका पल्स फील हो रहा है या जिसमें SVT है या VT है, वो VT कुछ लबाव में देखते हैं, दिस इज कॉल्ड DC या डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से इट इज सिंक्रोनाइज्ड? किस चीज के साथ ये सिंक्रोनाइज्ड होता है इलेक्ट्रिक करंट? आप में से किसी को आइडिया है? हार्ट की रेट के, मतलब हार्ट की करंट के साथ, हार्ट के करंट के साथ। दिस इज सिंक्रोनाइज्ड विद द QRS कॉम्प्लेक्स। ये जब मशीन आप एक ही होती है, जब आप मशीन ये लगाते हैं, इट डिटेक्ट्स द QRS कॉम्प्लेक्सेस, और जो ही ये QRS कॉम्प्लेक्स आता है, दिस मशीन गिव्स अ वोल्टेज। जब QRS कॉम्प्लेक्स के साथ वोल्टेज अप्लाई होगा, तो QRS कॉम्प्लेक्सेस यानी कि द वेंट्रिकल्स आर ऑलरेडी डीपोलराइजिंग। वेंट्रिकल्स के अलावा अगर कोई चीज़ एक्टिव है उस वक़्त, अगर उनमें कोई रिदम जनरेट हो रहा है, तो ये सारे उसके बराबर ना, वेंट्रिकल्स के बराबर पूरे हार्ट को डीपोलराइज कर देगा, ताकि जब वेंट्रिकल्स रीपोलराइज हो जाए, उस वक़्त कोई करंट जनरेट ना हो रहा हो जो हार्ट वेंट्रिकल्स को दोबारा एक्टिवेट करें। तो दे बाय अप्लाइंग करंट जस्ट एट द टाइम व्हेन द वेंट्रिकल्स आर स्टार्टिंग टू डीपोलराइज, ऑल ऑफ द कार्डियक टिश्यू इज डीपोलराइज साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। So when the ventricles are repolarized, there is a chance, all of the abnormal foci, the abnormal circuits, they are completely khatam, destroyed, halted. So then normal sinus rhythm aa jayega. Ye baat aapko samajh aayi hai? Ye main bhi bataiye thodi si. Ji. Isko dobara main jaldi se elaborate keh dun ki if this circuit is going on, और वेंट्रिकल्स QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया है, बाय अप्लाइंग अ करंट नाउ एट दिस टाइम, ये वाला पार्ट भी डीपोलराइज हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी, सारे डीपोलराइज हो जाएंगे, तो दिस सर्किट विल नॉट बी एबल टू प्रोलिफरेट, दिस सर्किट विल बी स्टॉप्ड, और वही हमारा मकसद था। तो इन पेशेंट्स हु हैव हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, हु प्रेजेंट विद एन SVT सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, द फर्स्ट थिंग वी विल हैव टू डू इज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स, क्या उसकी मैनेजमेंट में फर्स्ट थिंग है? इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, DC कार्डियोवर्जन और सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। बाकी दो केसेस में क्या करेंगे? व्हाट शुड वी डू इन केस नंबर 2? भाई इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन किस चीज़ से करते हैं? इलेक्ट्रिक, आपने डिफिब्रिलेटर मशीन देखी भैया? सॉरी कौन सी? डिफिब्रिलेटर, जो पैडल्स नहीं लगाते आप, पैडल्स देखे हुए जो ये लगाते हैं चेस्ट के ऊपर, ये बिल्कुल यही है। दिस मशीन कैन गिव सिंक्रोनाइज्ड करंट, जिसको सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन कहते हैं, यही दिस सेम मशीन कैन गिव डीप, मतलब अनसिंक्रोनाइज्ड करंट, मतलब दिस मशीन कैन परफॉर्म कार्डियोवर्जन, दिस मशीन कैन परफॉर्म डिफिब्रिलेशन, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ये आपने कहा था। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब पेशेंट नंबर 2 में क्या करेंगे? केमिकल एक्सीडेंट। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया, व्हेन वी से अ पेशेंट हैज हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, हमारा क्या मतलब है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। ब्लड प्रेशर कितना लो है तो हीमोडायनेमिक अनस्टेबल हो सकेंगे? Less than 90/60. 90/60, excellent. So that is one thing of instability. That is one part. Hemodynamic. वो hemodynamic instability है. If a patient has a recent myocardial infarction, if a patient has, मतलब अभी recent, मतलब क्या अभी myocardial infarction हुई है, a patient has heart failure, if a patient has low BP, all of these can be termed as hemodynamic instability. तो ये जो हमारा दूसरा पेशेंट है, एक एक पॉइंट हिस्ट्री का, एक पॉइंट एग्जामिनेशन का, आपको क्या लगता है इस पेशेंट में क्या है? प्लूरल टैप करेंगे। प्लूरल टैप करेंगे, देखो
प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड प्लूरल कैविटी में जमा होता है, उसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी उसमें। दिस इज पल्मोनरी एडीमा, एक्सीलेंट। इट इज बायलैटरल और फ्लूइड जब आएगा तो क्रैकल्स मिलेंगे। जो प्लूरल इफ्यूजन होती है ना उसमें एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स थोड़ी फर्क होती है, उसमें हार्ट कोई साउंड ही सुनाई देती है, उसमें क्रैकल्स ही सुनाई देते हैं। तो दिस पेशेंट हैज पल्मोनरी एडीमा। अब आप मुझे बताएं कि इस पेशेंट में क्या करना चाहिए। फ्लूइड ओवरलोड तो कम करेंगे, फ्लूइड ओवरलोड इसमें डायूरेटिक देंगे, डायूरेटिक देंगे बिल्कुल देंगे। वो हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट आप करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि हार्ट फेलियर के एक इसमें जो कॉज है उसके बारे में क्या ख्याल है? केमिकल कार्डियोवैस्कुलर, केमिकल कार्डियोवैस्कुलर। दिस पेशेंट अभी मैंने बताया कि हीमोडायनामिक इनस्टेबिलिटी एक तरफ, वन डेफिनेशन इज अ ब्लड प्रेशर ऑफ लेस देन 90/60, द अदर इज हार्ट फेलियर, द थर्ड इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, चेस्ट पेन या इस्कीमिया ऑन ईसीजी। दीज आर द एडवर्स साइंस दैट द पेशेंट इज अनस्टेबल। इफ अ पेशेंट इज अनस्टेबल ही हैज दीज एडवर्स साइंस, वैसे पेशेंट हमें क्या करना चाहिए? शुड वी परफॉर्म अ रैपिड ट्रीटमेंट और वी शुड परफॉर्म अ स्लोअर? कैन वी क्या इलेक्ट्रिकल, कैन यू रिपीट द साइंस? हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी, हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी में ना 90/60 इज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि 90/60 अगर बीपी कम है दैट पेशेंट इज हीमोडायनामिकली अनस्टेबल। इन जनरल अ पेशेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ arrhythmias or in general a patient is said to be unstable if he presents with chest pain or if there are ECG changes indicating ischemia or infarction, number one. Number two, if the patient is in shock, shock se hamara kya matlab tha, less than 90/60, and number three, if the patient has heart failure. This is a, these are the adverse signs and indicate that the patient is unstable. इस तरह के पेशेंट्स में वी विल परफॉर्म इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्शन। ठीक है, एंड फाइनली इन आवर लास्ट पेशेंट उसमें हमें क्या करना चाहिए? वो एंग्जियस है तो वो वहां अपने इसमें इलेक्ट्रिकल क्यों प्रेफर करेंगे? अच्छा, एक सवाल, सॉरी मुझे आवाज़ें सारी ओवरलैप होकर आई हैं, एक बना एक वक्त पे सवाल कर लें। हम सारे चुप हो गए, कोई एक बंदा पूछ ले फिर बात दूसरा बंदा पूछ ले। मैं ये पूछ रही थी कि मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन क्यों हम प्रेफर करेंगे ओवर केमिकल इन दिस पेशेंट। केमिकल इन दिस पेशेंट तो देखो एडवर्स साइंस इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म इमीडिएट और रैपिड ट्रीटमेंट विद इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स और विद इन द नेक्स्ट आवर और सो, चलो 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो गए। अभी कभी इस तरह के केसेस में होता ही ये है, इफ़ दीज पेशेंट्स हैव सच साइंस द रैपिड द ट्रीटमेंट द बेटर इज द पेशेंट आउटकम। जितनी जल्दी आप इस पेशेंट का इलाज करेंगे ट्रीट करेंगे द बेटर विल बी द आउटकम फॉर द पेशेंट। तो कुछ तरीके होते हैं जो शोर शॉट होते हैं, आपको पता है कि इफ़ आई डू दिस राइट नाउ देन दिस रिदम विल बी ओवर और आई हैव टू डू दिस राइट नाउ अदरवाइज द पेशेंट मे नॉट सर्वाइव। ओके, तो द क्विकेस्ट एंड शोर शॉट वे ऑफ रिवर्टिंग द रिदम टू नॉर्मल आई कार्डियोवर्जन इज इलेक्ट्रिकल शॉक देकर। जो ये जो है एडीनोसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, एडीनोसिन इज रैपिड एक्टिंग, एग्रीड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स टेक टाइम, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक। अदरवाइज जो ये कार्डियोवर्जन भी होती है केमिकल, इट्स नॉट स्टिल फर्स्ट लाइन, ये भी हम वेगल मैन्यूवर्स के बात करते हैं क्योंकि इन ड्रग्स के स्पेशली एडीनोसिन के कुछ अपने भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो व्हेन अ पेशेंट इज unstable, there are adverse signs present, you want to treat the patient as soon as possible using the methods which you know will be the most effective, and out of these three electrical cardioversion is that method. ठीक है, ये पता कैसे लगता है कि method कैसे हैं? Again controlled trials over time, जो guidelines बनती हैं
एक ये जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये किसी एक सोसाइटी की या अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी की या नाइस की गाइडलाइंस में से एक है, मुझे इस वक्त याद नहीं पड़ा किसकी है। दीज गाइडलाइंस दे आर मेड ओवर टाइम यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एटसेट्रा एटसेट्रा, और उनकी वजह से ही ये गाइडलाइन में फिर आके रिकमेंडेशन आती है कि इस पेशेंट में आपने ये काम करना है। तो अब मुझे भी इतना एग्जैक्ट नहीं पता कि वाई एडिनोसिन इज़ प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन, लेकिन जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उससे कि आउटकम्स बेहतर है। वट इज़ द रीज़न फॉर द बेटर आउटकम्स, ये मुझे नहीं पता। और इसके लिए फिर हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस आती है एज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, एज हाउस ऑफिसर, वो ये है कि इफ़ वी सी सच अ पेशेंट, वी नो वी शुड नो वट इज़ द आइडियल पाथवे। तो इफ़ यू कैन नॉट परफॉर्म द आइडियल, फिर जाहरी बात है कि यू विल मूव टूवर्ड्स दिस। मतलब आइडियली हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन, इफ इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन इज नॉट अवेलेबल टू यू देन यू विल प्रोसीड टूवर्ड्स दिस साइड। तो थर्ड पेशेंट जो है हमारा हु हैज जस्ट पैल्पिटेशंस, इस पेशेंट में अगर आप ये करेंगे क्या करेंगे फिर? वेगल मैनूवर्स पहले आप वेगल मैनूवर्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वेगल मैनूवर्स से टिपिकली ये जो है ना अरेस्ट हो जाते हैं एसवीटीज। अगर आप वेगल मैनूवर्स नहीं करते या आप वेगल मैनूवर्स सॉरी नहीं काम चलता, देन यू मूव ऑन टू एडिनोसिन। इफ एडिनोसिन इज नॉट प्रेजेंट यू स्टार्ट सीसीबीज और बीटा ब्लॉकर्स। दिस इज़ द एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट हु हैज़ ए सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पेशेंट है, आप एक्चुअल हम बात करते हैं इन रियल लाइफ क्या हुआ था। ये जो पेशेंट है आई थिंक ये 75 ईयर्स ओल्ड नहीं है, ये पेशेंट एक्चुअली 25 है, मैंने 75 लिखा, दिस इज 20 ईयर्स ओल्ड पेशेंट इसकी ईसीजी है। ये पेशेंट जो है ही प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ही वॉज नॉर्मल, ही वॉज जस्ट एंग्शियस, ही हैड पैल्पिटेशंस, ही हैड अ फास्ट रेट, हाउएवर हार्ट साउंड्स वर नॉर्मल, देयर वॉज नो पल्मोनरी एडिमा या S3 और वो क्रैकल्स नहीं थे, एंड BP वॉज ऑल्सो इन द नॉर्मल रेंज। हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड इन दिस पेशेंट? इस पेशेंट में आप कैसे प्रोसीड करेंगे फिर? इसका भी हमने सारा कुछ ये डिस्कस करके हटे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, किसी ने आई आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सही नहीं आ रही? नहीं, रिपीट करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो अच्छा सही आ रही है, चलो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बता रहा था कि जो ईसीजी है ये एक्चुअली एक 20 ईयर ओल्ड पेशेंट का है, हु प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस से एंग्शियस था, बीपी नॉर्मल था, नो बायलैटरल क्रैकर्स, नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद सच अ पेशेंट? मैं स्क्रीन जरा साइड पे करने लगा हूँ, आप उस मुझे बताएंगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए इस पेशेंट में। ईसीजी करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अभी हमने जो ये एक एल्गोरिथम सा बनाया है, इसके लिहाज से मुझे बताएं अगर ये पेशेंट इस तरह आ रहा है तो हम थर्ड वन सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैन्यूवर्स करेंगे। एक्सीलेंट, इस पेशेंट के वेगल मैन्यूवर्स किए गए थे, रिदम टर्मिनेट नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? एडिनोसिन ड्रग्स देंगे। एक्सीलेंट, एडिनोसिन जो है वो AV नोड को ब्लॉक करता है, इस पेशेंट को एडिनोसिन दी गई थी और एडिनोसिन देने के बाद इस पेशेंट की रिदम स्ट्रिप का ये हाल था, फ्लटर है, इस पेशेंट को फ्लटर है। देखिए, दिस पेशेंट एक्चुअली हैज एन एट्रियल फ्लटर। और हमने जो डिफरेंशियल सुनाए थे, हमने डिफरेंशियल्स नैरो किए थे AVRT और AVNRT को तक। तो दो चीज़ें हैं जो मैं इसमें आप एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ ये बता के आपको। पहली बात ये कि SVT में अगर आप रिदम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो दिस इज़ हाउ यू विल प्रोसीड। हमने ये ECG देखा,
हालांकि पेशेंट को फ्लटर है, वी थॉट दिस वाज एन एसवीटी, दिस इज हाउ वी प्रोसीडेड एंड दिस इज हाउ इन रियल लाइफ दिस पेशेंट वाज ट्रीटेड। हाउएवर एवी नोड जब टेम्परेरीली ब्लॉक हुआ या एवी नोड के अंदर जो रिदम है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप, मतलब एवी नोड के अंदर कंडक्शन स्टॉप हुई, तो क्यूरेक्स कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे वाइड अपार्ट हो गए। इसकी वजह से जो अंडरलाइंग एट्रियल रिदम था वो हमें अब बेहतर नज़र आ रहा है। और वो अंडरलाइंग एट्रियल रिदम इस पेशेंट में क्या है? एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर, सॉटूथ वेव्स। एट्रियल फ्लटर की जो सॉटूथ वेव्स होती हैं वो वैसे किस ईसीजी लीड में सबसे अच्छी नज़र आती हैं? एक लीड को मैं काफ़ी गौर से देख रहा था पिछली बार, आप उसको भी आज गौर से देखेंगे तो आपको भी नजर आएंगी वेव्स। V1, ठीक है, V1 को हम जरा जल्दी से गौर से देखते हैं, QRS और T, उसके बाद ये एक सॉटूथ वेव, फिर ये एक सॉटूथ वेव, फिर ये एक सॉटूथ वेव, एक सॉटूथ वेव बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, इसके बराबर अगली वाली छुपी हुई है QRS कॉम्प्लेक्स के नीचे नहीं नज़र आ रही, और फिर सॉरी तो V4 आ गया है, V1 में सबसे अच्छी नज़र आती है ये वेव, अगली देखें QRS कॉम्प्लेक्स के नीचे छुपी हुई है। तो हमें बाकी रिदम स्ट्रिप में और आगे पीछे नहीं नज़र आ रही थी पी वेव्स, इसमें पी वेव्स नहीं नज़र आ रही, ठीक है, हमने V2 में देखा था, वी डिड नॉट गेट टू सी एनी पी वेव्स, हाउएवर इन V1 वी कैन सी दोज कैरेक्टरिस्टिक सॉटूथ पी वेव्स। तो एक बात ये है कि जो एक्चुअल प्रैक्टिस में ये कि V1 में फ्लटर वेव सबसे अच्छी नज़र आती हैं। दूसरी बात की इफ़ यू आर नॉट श्योर दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड, और जब आप एडिनोसिन या कार्डिक मैनूवर्स करते हैं तो बिकॉज द ए वी नोड उसमें कंडक्शन स्लो हो जाती है द अंडरलाइंग रिदम इज सीन बेटर, ठीक है, दिस पेशेंट हैड एन अंडरलाइंग फ्लटर। अब हम उसी तरह एक और पेशेंट को देखते हैं, ये भी पेशेंट 20 साल का है, आप इसकी ECG देखें और मुझे आप बताएं कि इस पेशेंट का रेट क्या है हार्ट रेट, इज इट टैकीकार्डिया, इज इट नॉर्मल, इज इट ब्रैडीकार्ड? टैकीकार्डिया। आर द क्यूरियस कॉम्प्लेक्स इज नॉर्मल और आर दे वाइडेंड? नॉर्मल। नॉर्मल, एक्सीलेंट, द क्यूरियस कॉम्प्लेक्सेस आर नॉर्मल, सो दिस इज अ नैरो नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। इज दिस एन एट्रियल फिब्रिलेशन? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये क्यों है? आर द QRS कॉम्प्लेक्स इज नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल या वाइडेंड? नॉर्मल। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में याद रखते हैं QRS कॉम्प्लेक्सेस आर वाइडेंड, दिस इज सुप्रा वेंट्रिकुलर, एक्सीलेंट। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर की हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी, इज दिस एन एट्रियल फिब्रिलेशन? नो। नो। कैन यू सी फ्लटर वेव्स इन V1? नो। No. No. So if this is an atrial flutter नहीं है, atrial fibrillation नहीं है, then which is this? Which AVNRT, AVRT. AVRT, excellent. AV sinus भी हो सकता है, but for sinus you need to see P waves. In this rhythm strip, can you see P waves? क्या आपको दो waves नजर आ रही हैं, एक नजर आ रही है? एक एक नज़र आ रही है। एंड इफ़ वी सी द मॉर्फोलॉजी, कंपेयर हम करें ऊपर नीचे तो इन्वर्जन आगे पीछे, तो वी सेड दैट इफ़ वी आर एबल टू सी जस्ट वन वेव इट्स मोर लाइकली अ टी वेव, इट इज़ अ टी वेव, तो पी वेव आपको नहीं नज़र आ रही, तो अनलाइकली है कि ये साइनस रिदम है। दिस पेशेंट हैज़ एन AVRT और एन AVNRT। इफ दिस पेशेंट हैड द एडवर्स साइंस, हाउ वुड वी हैव प्रोसीडेड, कैसे हम प्रोसीड करते हैं? If this patient had a blood pressure of less than 90/60, if this patient had shortness of breath and bilateral basal crackers, if this patient complained of chest pain and we ECG mein changes to nahi hai, but if we saw changes, or if this patient was unconscious, it was fine. Defibrillation, cardioversion, excellent. Defibrillation jo hai na is a different term. Wo main aapse abhi baad mein discuss karunga. The term is cardioversion which you have to use. Defibrillation is different. ठीक है, defibrillation नहीं आप इस patient में करेंगे, you will cardiovert this patient. मैं आपको बताऊंगा कि defibrillate
कब करेंगे टू कार्डियोवर्ट. हाउएवर दिस पेशेंट वॉज नॉट हीमोडाइनमिकली अनस्टेबल, ही हैड अ गुड बीपी, ही वॉज अवेक कॉन्शियस एंक्शियस. हाउ शुड वी हैव प्रोसीडेड इन सच अ पेशेंट? मैन्यूवर्स फॉलोड बाय एडिनोसिन. एक्सीलेंट. एंड दिस वॉज डन इन दिस पेशेंट. तो अब हम इसकी ईसीजी देखते हैं फॉलोइंग द इन्फ्यूजन ऑफ एडिनोसिन. अब आप मुझे इस पेशेंट की ईसीजी देख के बताएं कि क्या हुआ है. अब शॉर्ट उठ रही है. थोड़ा सा गौर से देखें. शॉर्ट उठ वाला तो आपने देख लिया, आप दोबारा थोड़ा गौर करें और वी वन को भी गौर से देखें. ठीक है, हमने कहा था फ्लटर वेव्स जो है ना वो काफ़ी अच्छी वी वन में नजर आती हैं. ठीक है, टू में भी नज़र आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, पर इन्वर्जन आ रही है. किसमें क्या आ रही है? V1 में टी वेव इन्वर्जन. एक्सेलेंट, देयर इज वी वेव इन्वर्जन इन T1. बिल्कुल, मैं रिदम के लिहाज से बात कर रहा हूँ. आप रिदम के बारे में मुझे बताएं कि एक पेशेंट था ऊपर वाला जिसकी हमने रिदम स्ट्रिप देखी, इसकी मैं रिदम स्ट्रिप लगा लेता हूँ. एंड वी सॉ बाय आवर क्लिनिकल जजमेंट दैट दिस पेशेंट डिड नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन, दिस पेशेंट रिक्वायर्ड केमिकल कार्डियोवर्जन. सो वी केमिकली कार्डियोवर्टेड द पेशेंट. बिफोर कार्डियोवर्जन केमिकल या बिफोर एडिनोसिन एंड आफ्टर एडिनोसिन क्या फ़र्क है रिदम स्ट्रिप्स में? रेगुलर रेट रेट थोड़ा कम हो गया. एक्सेलेंट. रिदम के बारे में क्या ख्याल है? एस वेव डिसअपीयर हो गई है. एस वेव जो माइनर थी डिसअपीयर हो गई. एक्सेलेंट. रिदम के बारे में क्या ख्याल है? नॉर्मल है. नॉर्मल से क्या, नॉर्मल का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर? रेगुलर रेगुलर तो ऊपर भी था. साइनस रिदम. साइनस वेव प्रेजेंट है. पी वेव इज प्रेजेंट. एक्सेलेंट. The following the administration of adenosine in this patient, the abnormal rhythm was terminated, chemical cardioversion was successful, and even though this patient has a increased heart rate, the rhythm is now a regular sinus rhythm, meaning that cardioversion is successful. P waves aa gayi hain. Humne isme electrical kyun nahi kiya? इलेक्ट्रिकल इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने हिस्ट्री ब्रीफ आपको बता दी थी ज़बानी ही कि पेशेंट का बीपी भी नॉर्मल था. पेशेंट को कोई बायोलैटरल क्रैप्स भी आपने जब ऑसिलेटेट की चेस्ट नहीं सुनाई दिए, ना ही पेशेंट कोई चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा था. एसेंशली नन ऑफ द एडवर्स साइंस वर प्रेजेंट. इसलिए हमने इस पेशेंट की इलेक्ट्रिकल कार्डियोलॉजी. तो अभी तक आप लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इफ़ अ पेशेंट हैज़ दोज एडवर्स साइंस, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन. इफ़ अ पेशेंट डज नॉट हैव दोज एडवर्स साइंस देन यू विल प्रोसीड विद केमिकल कार्डियोवर्जन. और इन केस ऑफ एसवीटी सिंपल, अगर आपको इसमें ईसीजी में लग रहा है कि दिस इज़ अ एवीएनआरटी या एवीआरटी, देन यू विल प्रोसीड विद दिस वे. अगर वैसे एट्रियल फ्लटर मिलता है तो बिल्कुल डिटेक्टेबल होता है ईसीजी में, फिर उसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी फ़र्क है, वो हम थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे. लेकिन कहने का मकसद ये था कि दीज मैनूवर्स आर सेफ टू परफॉर्म इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर. कि हमें आगा कि एवीआरटी है, एवीएनआरटी है, एडिनोसिन दी वेगल मैनूवर्स फॉर्म की, वी वर एबल टू आइडेंटिफाई दी अंडरलाइंग, क्योंकि हमें पहले फ्लटर नहीं नज़र आया था सही तरह से, लेकिन फिर हमने गौर किया तो फिर हमें नज़र आ गया. तो ये था दूसरा केस, तीसरा केस, अब ये है चौथा केस. इस पेशेंट का रेट क्या है, हार्ट रेट? टैकीकार्डिया का एल्गोरिथम वाइज क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस. तो क्या दो डिफरेंशियल्स आते हैं आपके ज़हन में? और दूसरा SVT SVT with aberrancy, मतलब कोई abnormal pathway, abnormal tract है.
इसकी वजह से अब नॉर्मल कंडक्शन हो रही है SVT विद वेलेंसी. ECG की बेसिस पे कैन यू टेल या जस्ट बाय लुकिंग एट दिस हिस्ट्री कैन यू टेल वेदर दिस इज एन SVT विद अबेरेंसी या VT? यस तो क्या है ये VT ठीक है. तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ECG एंड हिस्ट्री अलोन यू कैन नॉट बी श्योर वेदर दिस इज अ VT और एन SVT विद अबेरेंसी, लेकिन ये लग रहा है कि VT ही है. तो अगर आप कंफ्यूज हैं दोनों के अंदर फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ी सी दोनों की डिफरेंट है. हम सिर्फ VT की डिस्कस करेंगे, SVT की आप खुद पढ़ेंगे. इफ़ यू आर नॉट श्योर इफ दिस इज एन SVT विद एबेरेंसी और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हाउ विल यू प्रोसीड? एक आप चलिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो जाता है, मैं आपको जैसे आंसर बता देता हूँ इसका, कि इफ़ अ पेशेंट हैज़ अ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाइट कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया एंड यू आर नॉट श्योर वेदर इट्स वेंट्रिकुलर और SVT विद एबेरेंसी, ऑलवेज ट्रीट फॉर अ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की ट्रीटमेंट पे हम जल्दी से देख लेते हैं. अगेन वी फॉलो दोज टू प्रिंसिपल्स. वन इज आवर पेशेंट हु हैज दोज एडवर्स साइंस एंड वन इज आवर पेशेंट हु डज नॉट हैव दीज एडवर्स साइंस. इन द पेशेंट हु हैज एडवर्स साइंस हाउ विल यू प्रोसीड? डिफिब्रिलेशन करेंगे. डिफिब्रिलेशन क्या मतलब है? अब ये दूसरी बार ये टर्म आ गई है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. डिफिब्रिलेशन का क्या मतलब है? वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है ना, तो फिर उसको डिफिब्रिलेट कर देंगे, हार्ट रेट कम हो जाएगा. हार्ट रेट कम हो जाएगा. अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट आप हार्ट को अप्लाई कर रहे हैं ना, ये रिदम को ठीक करेगा, जो एबनॉर्मल सर्किट से ख़त्म करेगा, हार्ट रेट पे शायद अफेक्ट ना करे, क्योंकि हार्ट रेट ऐसी नोट का काम है, वो मिनट टू मिनट वेरी करता है. लेकिन एक एबनॉर्मल सर्किट अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो वो फिर ख़त्म हो जाता है उस वक्त के लिए. हो सकता है थोड़ी बहुत दोबारा आ जाए, बट जो एबनॉर्मल रिदम है वो ख़त्म हो जाएगा. तो याद रखना कि जब करंट अप्लाई करते हैं इट इज़ यूज फॉर कार्डियोवर्जन, रिवर्टिंग द रिदम टू नॉर्मल. अब करंट्स दो तरह के अप्लाई कर सकते हैं. वन इज इन सिंक विद द QRS कॉम्प्लेक्स, जो जब QRS कॉम्प्लेक्स शुरू होगा उसी के साथ दे देंगे. सच अ करंट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन और DC कार्डियोवर्जन. ठीक है, दिस इज सिंक्रोनाइज्ड. इफ द करंट इज नॉट गिवन इन अलाइनमेंट विद द QRS कॉम्प्लेक्सेस, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में जब QRS कॉम्प्लेक्स हुआ इधर दे दिया है या इस वक्त दे दिया है, सच एप्लीकेशन ऑफ करंट इज कॉल्ड डीफिब्रिलेशन. अब सवाल ये बनता है कि डीफिब्रिलेशन किस में करते हैं और कार्डियोवर्जन किस में करते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू सी अ QRS कॉम्प्लेक्स और इफ अ QRS कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट, द पेशेंट विल बी कार्डियोवर्टेड. A QRS complex is not present, the patient will be defibrillated. आप मुझे कोई ऐसा रिदम जेन में आपके आता है, आ रहा है जिसमें QRS complex present नहीं होगा? Ventricular fibrillation. Excellent, ventricular fibrillation. Atrial fibrillation में QRS complex होता है कि नहीं होता? Atrial में होता है, ventricular fibrillation में. Ventricular fibrillation में नहीं होता. Patients who have ventricular fibrillation they should be defibrillated. If there is a QRS complex present, the patient will be cardioverted. So if adverse signs are present in such a patient who has this ECG, इस patient में आप क्या करेंगे? Cardioverted. So such a patient will be cardioverted. If there are no adverse signs, then electrical cardioversion तो नहीं करेंगे. फिर आप क्या करेंगे? कौन सी कार्डियोवर्जन करेंगे? केमिकल. एक्सेलेंट. तो अ केमिकल कार्डियोवर्जन इन सच केस किन ड्रग से होगा? एडिनोसिन. ठीक है, एक आपने ड्रग नाम बीटा ब्लॉकर्स, केमिकल चैनल ब्लॉकर,
केमिकली कैल्शियम चैनल, ठीक है। सी सी बीज आपने बता दिया, फिर आपने बीटा ब्लॉकर्स बता दिया, फिर एडीनोसिन। एक और ड्रग कोई आके जेब में आ रही हो किसी के? अब हमने थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी से रिलेट किया कि सी सी बीज, बीटा ब्लॉकर्स, एडीनोसिन, दीज आर ऑल एक्टिंग ऑन दी। एक तो पहली बात यह है कि ये ए बी नोड पे काम करते हैं, तो हमें समझ आ गई थी कि सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डियास पे हम क्यों ये देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो ये ए वी नोड को रिफ्रैक्ट्री करेंगे, कोई जो सर्किट या रिदम बन रहा है उसको तोड़ देंगे, या कोई ऊपर एबनॉर्मल रिदम है वो अनमास्क हो जाएगा। एक पेशेंट है जिसके वेंट्रिकल्स की ये सूरत हाल है, हमें ज़ाहरी बात है एक ऐसी ड्रग देनी है जो वेंट्रिकल्स पर ही एक्ट करें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का और बीटा ब्लॉकर्स का वेंट्रिकल्स पर क्या इफेक्ट होता है, क्या कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्या करते हैं? हमें ए वी नोड है तो पता है कि ए वी नोड की कंडक्शन डिले कर देते हैं, ऐसे नोड पर भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो हार्ट रेट डिक्रीज करते ही करते हैं। वेंट्रिकल्स पे क्या इफेक्ट होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का? कुछ मुझे सुनाई दिया है दरमियान में हल्का फुल्का सा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करते हैं। एक्सेलेंट। तो एक पेशेंट है जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, अगर आप कोई ऐसी ड्रग उसे देंगे जिसकी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, तो इस पेशेंट में क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर। एक्सेलेंट। तो क्या आपको ऐसे पेशेंट में सीसीबीज और बीटा ब्लॉकर्स देने चाहिए? नहीं देंगे सीसीबीज और बीटा ब्लॉकर्स, याद रखना। दीज थ्री ड्रग्स, एडीनोसिन की मुझे पैथोफिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी इतनी आती नहीं है कि मैं बताऊं कि क्यों नहीं देते, बट सीसीबीज और बीटा ब्लॉकर्स इसलिए नहीं देते होते इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास। सो द ड्रग व्हिच यू हैव टू यूज फॉर केमिकल कार्डियोवर्जन इन सच पेशेंट इज एमायोडेरोन। This is the drug which you have to remember. So this is the acute management or the emergency management of a patient who presents with ventricular tachycardia. We will initially assess the patient, brief history examination. We will make sure the patient maintain his airway, breathing, circulation. Circulation में BP, IV line, pulse ox आता है। ये assessment भी आप कर रहे हैं और साथ साथ management भी आप कर रहे हैं। Then, based on what your clinical findings were, you decide to either electrically cardioverge the patient, DC cardioversion, or you decide to chemically cardioverge the patient, chemical cardioversion using amiodarone. This is the management of a patient who presents with wide complex tachycardia, in this case specifically ventricular tachycardia. अब हम आज का आखिरी केस देखते हैं, थोड़ा सा टाइम कम रह गया है, 10 मिनट आपके ऊपर लूँगा, 15 ले लूँगा, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि इन एरिथमियाज के साथ हम ख़त्म हो जाएं और कल नया हम टॉपिक स्टार्ट करें। जल्दी से इस पेशेंट का रेट और रिदम देख लेते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ दिस पेशेंट? टैकीकार्डिया। इज इट वाइड कॉम्प्लेक्स और नैरो कॉम्प्लेक्स? नैरो कॉम्प्लेक्स। एक्सेलेंट। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है। Does this patient have a flutter? Does this patient have AVRT, NRT? Does this patient have atrial fibrillation? क्या है? Fibrillation क्योंकि irregular है. Excellent. This patient irregularly, has irregular. This patient has atrial fibrillation. ठीक है, दिस पेशेंट हैज़ एट्रियल फिब्रिलेशन। अब हमने, चलो मैं जिक्र कर देता हूँ, हमने एट्रियल फ्लटर में देखा था, तो फ्लटर वेव हम किस लीड में देखना चाह रहे थे? V1 में, ठीक है। अब हम इस पेशेंट की V1 को ज़रा गौर से देखते हैं। ये देखो, दिस इज काइंड ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और ये तो है ये, फिर एक QRS कॉम्प्लेक्स एक आ रहा है, और आगे मैं ड्रॉ करता जाऊँ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, लेकिन जनरल डायरेक्शन ही लीड की ये है। तो क्या आपको पी वेव्स नज़र आ रही हैं कोई, या कोई वेव्स और नज़र आ रही हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अलावा?
इरेगुलर वेव्स हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं है? इरेगुलर वेव्स हैं जो बेसलाइन से ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी आ रही हैं, या एक पॉइंट के ऊपर नीचे घूम रही हैं, ऐसे ही है ना, एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द घूम रही हैं। दीज आर कॉल्ड फिब्रिलेटरी वेव्स, और ये एफएफ में होती हैं जो वी वन में नज़र आती हैं। अदरवाइज जो रिदम स्ट्रिप होती है उसमें पी वेव्स एबसेंट हो सकती हैं, ए वी एफ में भी एबसेंट हो सकती हैं, एल में भी एबसेंट हो सकती हैं, लेकिन ये फिब्रिलेटरी वेव्स जो है जो एक पॉइंट से ऊपर भी जाती हैं नीचे भी जाती हैं, ये एट्रियल फिब्रिलेशन में प्रेजेंट होती हैं। दिस पेशेंट हैज़ एट्रियल फिब्रिलेशन। आपके पास एक पेशेंट आया है 26 ईयर ओल्ड, ये वाला सॉरी, आपके हाथ में ईसीजी पकड़ा दी गई है। Your initial management will consist of what? क्या आपकी initial एक assessment होगी या management होगी of this patient? Electrical cardioversion. Electrical cardioversion आपकी initial assessment होगी। ऐसे तो नहीं होता ना? Sorry, assessment नहीं। आप इस patient को initially कैसे करेंगे? How will you assess this patient? Vitals लेंगे पहले, करेंगे BP वगैरह, हार्ट रेट। देखो एक 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 सारा कुछ बोलने की बजाय ना अपना एक रिदम, अपना एक फ्लो बनाओ, ठीक है? आपको पता हो कि हाउ आई शुड प्रोसीड। अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड इनिशियल असेसमेंट बेस्ड ऑन द ब्रीफ हिस्ट्री, अ पर्टिनेंट एग्जामिनेशन कंटेनिंग वाइटल्स और ECG आपके हाथ में ही है, उसके बाद जो पीछे डिसीजन डिस्कस की थी। तो अगेन इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इन दिस पेशेंट, यू हैव टू सी वेदर द पेशेंट इज स्टेबल और नॉट, ठीक है? अब मैं देखता जाता हूँ। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू असेस जो आपकी मैनेजमेंट को चेंज कर सकती है या इम्पैक्ट कर सकती है, इट इज़ वेदर द पेशेंट इज, या उसमें एडवर्स साइंस है या नहीं। अगर एक पेशेंट है एट्रियल फिब्रिलेशन का और उसमें ये एडवर्स साइंस नज़र आ रहे हैं, व्हाट विल यू डू देन? तब आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन। आप कार्डियोवर्जन करेंगे, एक्सीलेंट। यू विल परफॉर्म इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, एक्सीलेंट। इफ दीज आर नॉट प्रेजेंट, फिर आप क्या करेंगे? केमिकल कार्डियोवर्जन, ठीक है, केमिकल कार्डियोवर्जन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में होता ये है कि पूरा एट्रिया जो है ना एक वक्त से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, मतलब इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। द होल ऑफ द आर्ट इज इरेगुलरली बीटिंग, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती, बस इरेगुलर मूवमेंट्स हो रही होती हैं। अब इस केस में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वी वांट टू कार्डियोवर्ट द पेशेंट। अगर इमीडिएट स्टेबिलिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे, बट द प्रॉब्लम इन सच ए केस इज कि आप ही मुझे बताएंगे कि इफ़ ब्लड इज स्टेशनरी, इट डज नॉट मूव और फ्लो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है ब्लड को? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो होगी अगर कोरोनरी आर्टरीज में हो, अगर एट्रिया के अंदर ब्लड रुका हुआ है, इट इज स्टेशनरी, तो देयर इज अ चांस ऑफ क्लॉटिंग, देयर इज अ चांस ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है? और वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्लटर में एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग, देयर इज रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। SVT में भी एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग, पी वेव हिडन होती है बट इट इज प्रेजेंट ओवर देयर। इन फ्लटर द एट्रिया, इन फिब्रिलेशन द एट्रिया नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, and because atria not contracting, there is a chance that such a patient might have an atrial thrombus. तो आप rhythm cardioversion या rhythm जो है ना वो आप नहीं करेंगे इस patient का immediately. The first thing you would like to do in such a patient is to see whether his heart rate is very much increased. तो अगर ज़्यादा increased है तो आप उसका heart rate control करेंगे। So the first thing is whether the patient has adverse signs. If the patient has adverse signs, then cardioversion. If the patient does not have adverse signs, the first thing you will perform, which is more important than cardioversion in such a case, is rate control. Rate control matlab
हार्ट रेट कंट्रोल. हार्ट रेट कंट्रोल मतलब द रेट एट विच द QRS कॉम्प्लेक्सेस आर बीटिंग और वर्किंग. तो व्हाट आर द ड्रग्स व्हिच यू कैन यूज फॉर रेट कंट्रोल? एक्सीलेंट और कैल्शियम चैनल. कैल्शियम चैनल ब्लॉक इज बेहतरीन. और एक और ड्रग इसके अलावा एक ऐसी ड्रग जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है मगर एवी नोड के अंदर से कंडक्शन को डिले करती है. और ड्रग काम करती है सोडियम पोटेशियम चैनल के ऊपर. एडीनोसिन सिर्फ एवी नोड पे काम करती है. एक ड्रग एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रीन जो दोनों काम इंक्रीज करती है. द ड्रग इज डिजॉक्सिन. डिजॉक्सिन कैन आल्सो बी यूज्ड इन पेशेंट्स हु हैव फ्लटर. एवी नोड के अंदर से कंडक्शन डिक्रीज करती है तो रेट कंट्रोल करती है. सेकेंडली कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करती है तो फिब्रिलेशन अगर है तो उनमें उन पेशेंट में डिजॉक्सिन यूज़ की जा सकती है. कैसे पेशेंट में डिजॉक्सिन आप प्रेफर करेंगे? अभी तो इसके दो बने इफेक्ट्स होते हैं. एक एवी नोड पे डिक्रीज करती है कंडक्शन. सेकेंडली जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है. तो पेशेंट को क्या बीमारी हो साथ एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो डिजॉक्सिन आप दें प्रेफर करेंगे या दे सकते हैं? कौन सी ऐसी बीमारी है ये क्या बीमारी अराइज होती है जब पेशेंट के वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो या आप उसमें वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवाना चाहते हैं? हार्ट फेलियर. तो इफ अ पेशेंट हु हैज हार्ट फेलियर आल्सो डेवलप्स फिब्रिलेशन द ड्रग यू कैन यूज इज डिजॉक्सिन. तो इफ एडवर्स साइंस आर नॉट प्रेजेंट द फर्स्ट थिंग यू विल मूव टूवर्ड्स इज रेट कंट्रोल. आफ्टर हैविंग कंट्रोल्ड द रेट ऑफ द पेशेंट then you would like to assess whether this patient is suitable for cardioversion or not. ठीक है. अब इस केस पेशेंट में खदशा क्या है हमें? what is the thing which we are feeling in such a patient who has atrial fibrillation? thrombus in atria. excellent. तो thrombus in atria, how can we assess whether there is a thrombus present in the atria or not? echo. excellent. kis tarah ki echo specifically jo left atrium ko ya right atrium ko dekhegi? balki hum systemic left atrium ko chalo. left atrium ko kaun si echo dekhti hai sabse clearly? transesophageal echo. क्योंकि लेफ्ट एट्रियम एक तो होता है बड़ा और हमें ज़्यादा खदशा होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर थ्रोम्बस का. क्योंकि लेफ्ट एट्रियम के अगर एक थ्रोम्बस है और वो डिसलॉज हो जाए तो वो सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज कर सकता है. क्या आपको किसी एग्जांपल का कोई एग्जांपल पता है ऑफ अ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? क्या थ्रोम्बोलिज्म कॉज कर सकता है? अगर एट्रियल एक थ्रोम्बस है वो डिसलॉज होता है और वो कैरोटिड आर्टरी से ट्रेवल करके इंटरनल कैरोटिड के अंदर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की एक छोटी सी ब्रांच के अंदर जाके उसको ब्लॉक करे तो इस पेशेंट को क्या होगा फिर? इन्फार्क्शन. इसको क्लिनिकली इसको क्या कहते हैं? आपने पेशेंट देखे होंगे क्लिनिक में थर्ड ईयर में. यह बहुत कॉमन है. ये स्ट्रोक. इसको स्ट्रोक कहते हैं. तो इन सच पेशेंट्स दिस इज़ वन ऑफ एग्जांपल. इन सच पेशेंट्स द खतरा ये होता है कि इफ़ देयर इज अ थ्रोम्बस एंड इफ सच ए पेशेंट इज इमीडिएटली कार्डियोवर्टेड द थ्रोम्बस मे डिसलॉज समहाउ बिकॉज वंस द थ्रोम्बस इज फॉर्म्ड द एट्रिया कैन कॉन्ट्रैक्ट. पहले तो फिब्रिलेट कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे द थ्रोम्बस विल मूव इन टू द वेंट्रिकल and from the ventricle towards the matlab ventricle towards the aorta upar jayenge, they can cause a stroke. So in such a patient we want to be wary of this. Hum ye nahi chahte ki hum patient ko foran cardiovert kare
पहले एट्रिया फिब्रिलेट कर रहे थे, इरेगुलर मूवमेंट थी, थ्रॉम्बस बना पड़ा था, नाउ दे स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर कार्डियोवर्जन और थ्रॉम्बस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में घुस रहा है. वी डू नॉट वॉन्ट दैट. सो वी वॉन्ट टू असेस वेदर द पेशेंट हैज ए थ्रॉम्बस और नॉट. तो वन ऑफ द वेज वी कैन असेस फॉर अ थ्रॉम्बस इज यूजिंग ए ट्रांसएसोफेजियल एको. Another way for assessing is to see whether the time period is to assess via time period. हम time period को देख लेते हैं. तो the first important thing is to see whether the duration of time period, कितनी देर से atrial fibrillation है, is it more than 48 hours or less than 48 hours. अगर 48 आवर्स से ज़्यादा है तब लाइकली है थ्रॉम्बस फॉर्मेशन, या 48 आवर्स से कम है तब लाइकली है थ्रॉम्बस फॉर्मेशन. मोर देन 48 आवर्स. तो अगर एक पेशेंट है उसका एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हुआ है इन द लास्ट 10 आवर्स या लास्ट 2 आवर्स से है, चलो हम ज़्यादा आसान कह लेते हैं, पेशेंट फॉर श्योर शॉर्ट ठीक था, हमें पक्का पता है कि पेशेंट 2 घंटे पहले ठीक था. इफ द पेशेंट हैज़ हैड एट्रियल फिब्रिलेशन But less than 48 hours, he has since the last 2 hours. इस पेशेंट में आप क्या करेंगे फिर? आपने कार्डियोवर्जन करनी है अगर, तो क्या आप इस पेशेंट में विदाउट द फियर ऑफ थ्रॉम्बस कार्डियोवर्जन कर सकते हैं अगर पेशेंट को 2 घंटे पहले ही स्टार्ट हुई है? कर सकते हैं. तो इन सच ए पेशेंट यू कैन सेफली परफॉर्म कार्डियोवर्जन. ठीक हो गया. हाउएवर इफ इट इज़ ग्रेटर देन 48 आवर्स, फिर आप क्या करेंगे? इस टाइम पीरियड के दौरान चांस बढ़ गया है, देर इज इंक्रीज लाइकलीहुड दैट अ थ्रोम्बस हैज फॉर्म्ड. व्हाट विल यू डू इन सच ए केस? थ्रोम्बोलिटिक्स. एक्सीलेंट. आप एंटीप्लेटलेट्स देंगे. एक्सेलेंट. तो इन सच ए केस इफ द टाइम पीरियड इज ग्रेटर देन 48 आवर्स, यू आपके पास 2 रास्ते हैं. यू कैन आइदर असेस यूजिंग अ ट्रांस इसोफेजियल एको, एंडोस्कोप के थ्रू आप इसोफेगस के अंदर एको प्रोब इंसर्ट करें और आप असेस करें एंड लुक एट द लेफ्ट एट्रियम. अगर ट्रांस इसोफेजियल एको में थ्रॉम्बस नहीं आता फिर आप क्या करेंगे? कार्डियोवर्जन कर लेंगे. बिल्कुल, फिर आप कार्डियोवर्जन परफॉर्म कर सकते हैं. इफ देयर इज नो वो क्या कहते हैं थ्रॉम्बस, देन यू कैन सेफली कार्डियोवर्ट. हाउएवर इफ देयर इज ए थ्रॉम्बस ऑन द एको, नंबर 1, या ट्रांस इसोफेजियल एको इज नॉट अवेलेबल एंड द ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 48 आवर्स, तब आप क्या करेंगे? इन सच ए केस यू आर फियरफुल दैट ए थ्रॉम्बस माइट बी प्रेजेंट, और अ थ्रॉम्बस इट मे बी प्रेजेंट. इन सच ए केस यू विल नॉट इमीडिएटली कार्डियोवर्ट. ठीक है, इफ TEE नॉट प्रेजेंट, क्या दूसरा ग्रेटर देन ड्यूरेशन इज 48 आवर्स, तो इन सच ए केस यू कैन नॉट बी श्योर वेदर अ थ्रॉम्बस इज प्रेजेंट और नॉट, हेंस यू विल नॉट वॉन्ट टू परफॉर्म कार्डियोवर्जन. सच ए केस, ऐसे केस में आपका मकसद ये होगा फिर कि थ्रॉम्बस अगर बन गया है तो एक आप ये है कि उसकी प्रोपोगेशन इंक्रीज करें, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि सम हाउ दैट क्लॉट और दैट थ्रॉम्बस शुड बी ब्रोकन. अब होता यह है कि लेफ्ट एट्रिया में जो थ्रोम्बस इंट्राम्यूरल होता है, थ्रोम्बोलिटिक्स इस पे इसके लिए नहीं देते. ठीक है, इसमें जो एम होता है वो ये है कि नेचुरल बॉडी के जो अपने फाइब्रोनोलिटिक मैकेनिज्म होते हैं, वी अलाउ देम टाइम टू फंक्शन ऑन देयर ओन, नंबर 1, एंड नंबर 2 वी गिव मेडिकेशंस सो दैट द थ्रोम्बस डज नॉट प्रोपोगेट. What sort of medications can we give जो thrombus की propagation को decrease करें? ठीक है, एक तो antiplatelets आपने बता दी, दूसरी क्या है? Heparin वगैरह दे सकते हैं. Heparin वगैरह दे सकते हैं. Excellent.
जो सारी ड्रग्स ये हैं बिल्कुल हैं, जो गाइडलाइंस में हैं जो ड्रग देते हैं वो ये है कि यू हैव इन सच अ पेशेंट यू हैव टू स्टार्ट द पेशेंट ऑन वारफेरिन। वारफेरिन जब आप स्टार्ट करते हैं आपको पता है कि पहले 3-4 दिन आप हेपरिन के साथ ओवरलैप करते हैं, और डायरेक्ट ऑरल एंटी कोएगुलेंट्स तो वाइटामिन के पे काम नहीं करते उन पे हैं। यू स्टार्ट दिस मेडिकेशन ऑन 3 वीक्स फॉर 3 वीक्स। इन सच अ केस इफ देर इज एनी थ्रोम्बस इट मिनिमाइजेस द चांस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। आफ्टर 3 वीक्स फिर इन दिस केस यू विल परफॉर्म कार्डियो वर्जन। ये एल्गोरिथम आपने थोड़ा सा समझना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये प्रॉफ के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और मतलब मेन इसकी प्रॉफ के लिहाज से ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक वाहिद है जिसका एक प्रॉपर एल्गोरिथम है और आपने भी देखा है कि इट इज़ डिफरेंट। इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न है वो ये है कि वेदर द पेशेंट हैज़ थ्रोम्बो वेदर द पेशेंट हैज़ डिवेलप्ड ए थ्रोम्बस और नॉट। ये जो मैनेजमेंट एल्गोरिथम है अगर आप स्टेप अप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, अदरवाइज मैंने चेकअप का एक फिगर अपनी वाली से डाल दिया, मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रहा था मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट एल्गोरिथम आपको आना चाहिए। द मेन कंसर्न इज नंबर 1 वेदर द पेशेंट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल और नॉट। इफ द पेशेंट इज नॉट स्टेबल कार्डियोवर्जन। इफ द पेशेंट इज स्टेबल यू कैन नॉट इमीडिएटली कार्डियोवर्ट बिकॉज पहले हार्ट फिब्रिलेट कर रहा था, इरेगुलर मूवमेंट्स थी। अगर थ्रोम्बस पड़ा हुआ है द हार्ट रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट्स लेफ्ट एट्रिया। इन सच अ केस there's a risk that if any thrombus has formed it might dislodge and move into the circulation and it might cause a stroke. to pehle aap rate control karenge phir aap dekhenge ki duration kya thi aur aapke paas resources kya hai. you can then anticoagulate for 3 weeks and then you can perform cardioversion. this is the acute or emergency management of a patient who presents with atrial fibrillation. आज आपने काफ़ी ज़्यादा रिदम्स देखे हैं दोबारा से और ECGs पे फोकस करके आपने उन रिदम्स को पिक किया है। ब्रैडीकार्डिया SVT VT दो SVTs देखे, एक फ्लटर था एक नॉर्मल था, एंड देन वी ऑल्सो सॉ अ एट्रियल फिब्रिलेशन। दीज आर दी इम्पॉर्टेंट एरिथमियाज विच यू शुड नो, ये आपको आने चाहिए। और अभी थोड़ा सा टाइम कम है, ऊपर भी काफ़ी हो गया, फिर 20 मिनट ज़्यादा टाइम देना। एट्रियल फिब्रिलेशन की क्रोनिक मैनेजमेंट भी होती है और उसमें ही दो स्कोरिंग सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर आपने एक्यूट मैनेजमेंट अभी पढ़ लिया तो ये आप लाजमी बुक से पढ़ लेना क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये आपने बुक से पढ़ लेना है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो फिर कल इंशाल्लाह इसको भी थोड़ा सा ओवरलुक कर लेंगे, दोबारा से देख लेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो, क्योंकि दिस इज़ प्रॉबेबली द लास्ट सेशन ऑफ ECG। इसके बाद हम ECGs नहीं डिस्कस करेंगे, हम CVS की बाकी क्लिनिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो ठीक है अभी पूछ रहे हैं, वरना फिर ये सेशन ख़त्म करते हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया। इंशाल्लाह कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।